मैं कर दूंगी तुम पे स्टे मत चलो गाइस बाय टेक केयर होप यू लाइक द वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग बाय टेक केयर एक सेकंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर मेकिंग माय ईद स्पेशल ओके चलो बाय गाइस बाय What's up guys, welcome back to my channel and you're watching Mr. Avi TV React and if you're new to the channel, you know what to do, please subscribe to the channel, like this video and don't forget to turn on that notification bell. So guys, we are here to react video but कस्तो भने मलाई फेरि यो यस्तो चाहिँ जुन जुदाईको जुदाईको भ्लग छ नि मलाई त्यो रियाक्ट गर्न कस्तो कस्तो लाग्छ बिकज इट्स सो मच अफ इमोसन एन्ड यु रियली डोन्ट वन्ट टु सी एज अ आयुजी जनता यु रियली डोन्ट वन्ट टु सी देम सेपरेटेड अल्सो यु डोन्ट वन्ट टु सी देम क्राइङ ओके होइन भन्नु न इट्स जस्ट लाइक अब के भन्ने यस्तै हो अब तर चाहिँ अब चन्दिनको खुसी पनि दिने अब सँगै हुँदा पनि अब हुने अब टाढा हुँदा पनि दुःख अब कस्तो के भन्ने अब एकदमै मिक्स फिलिङ छ क्या बट यस आई ह्याभ टु सी किनभने अब दुईजनालाई अब देख्नै पऱ्यो रियाक्ट गर्नै पऱ्यो होइन त्यसपछि चाहिँ तर अलिकति कस्तो भने रियाक्ट चाहिँ म किन गर्छु नि बिकज यु नो यो छुट्ने बेलामा सँगै भएको त्यो माया हुन्छ नि त्यो तृष्णा हुन्छ नि त्यो एकदमै कस्तो दामी स्पेसली अलिजे किनभने अब अलिजेको बिहेभियर एकदमै एकदमै किनभने ऊ त्यत्तिकै त एकदमै आयुषलाई माया गरेर एकदम क्लोज हुने मान्छे झन् जाने बेलामा त अब झन् उसको एकदमै अट्याचमेन्ट एकदमै खुलेर देखिन्छ अनि इट्स लभ टु सी इट के अनि त्यो हेर्दा हामीलाई नि एकदमै अब के आनन्द थाहा छैन तर आनन्द चाहिँ हुन्छ गाइज अब एक्सपेक्ट अब के भन्ने आफन्त सानसानो भाइ पनि हेरौँ होइन त्यही पनि आनन्द चाहिँ आउँछ खुसी लाग्छ भनौँ न सो हामी चाहिँ अलिजेको भ्लग रिया गर्न गइरहेको छौँ जहाँ चाहिँ अब आयुष भाइको लास्ट डेट थियो अनि लेट्स सी वाट दे डिड अनि अभियसली गुची सुची पनि केही गिफ्ट आएको जस्तो लाग्थ्यो मलाई होइन अनि त्यसपछि चाहिँ लेट्स वाच एन्ड लेट्स रियाक्ट अनि लेट्स इन्जोय होइन लेट्स इन्जोय वाचिङ आवर आयुष एन्ड अलिजे ओके सो लेट्स वाच एन्ड लेट्स रियाक्ट गेलो आयुष ल सुरुमै गुची मैले भने Hey, yo, wala, hijo live wow, yaar. Thanks for showering so much of love for that video, guys. Thank you. Thanks for making my eat special. वालेकुम अस्सलाम दुबई मॉल आयुष को हरी अप ओए होए ओ पूरे डिफरेंट आया आयुष मेरे लिए वाओ अच्छा एक ये डेनिम की शर्ट और एक ये ओए और एक ये दादा ये वाला लंबा कलर यार कल दे देता मुझको मैं कल पहन लेता पापा ये चार आपको पसंद आई बहुत खूबसूरत है ये ऑफ कोर्स ओए ओए चलो गाइस कल हां वैसे कल मिल जाती तो पापा पहले थे लेकिन कोई नहीं वो क्या कहते हैं अभी सो गाइस हम लोग पिछले 10 मिनट से इधर लिफ्ट का वेट कर रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट हमें लगे पार्किंग ढूंढने में और 10 मिनट से हम इधर खड़े हैं तो आई कैन इमेजिन कि दुबई मॉल में क्राउड कितना होगा और हम लोग ऑलरेडी लेट भी हो रहे हैं और हमें जाना है सो आते वक्त भी ट्रैफिक था फिर यहाँ पार्किंग मिलने में भी ट्रैफिक था अब यहाँ पे खड़े में पागलों की तरह 10 मिनट से पार्किंग ही नहीं आ रही लिफ्ट ही नहीं आ रही कि ऊपर जा पाए फाइनली हमें मिल गई है लिफ्ट इतने टाइम से 10 मिनट से खड़े हुए तुम्हें मेरे कंधे में रख के लेके जाऊँ ऊपर ले ना जाओ इधर पता है कितनी देखो सिर्फ 10 तो देखो ये मॉल ही वहां से मॉल नहीं लग रहा मुझे नहीं ये मॉल नहीं है सो गाइस रश तो थी बट इतनी नहीं थी लेकिन हम आगे हमारा फर्स्ट स्टॉप है गुची और आई के लिए गुची के चश्मे लेगा मैं लेके दूंगी ओके गुची के चश्मे दे हैव द बैग्स एज वेल
हम वी कैन ट्राई राइट ओके आई ट्राई करो वो रे वोरे ग्लासेस मैं जैसे जूता भी बटू उधर गुची का जूता देखा कौन सा वाला पहन कर ही नहीं आया मैंने कौन सा वाला है ये वाला ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा आयुष का जूता अच्छा ये किसका जूता ये वाले भी अच्छे हैं यार वो जूता है चप्पल टू इन वन ये वाले कितने प्यारे हैं आयुष अब महंगो तो महंगो है यार ये चीज अरे मतलब इतनी फैंसी लगता नहीं क्या वो बनना रे ठीक है हां ट्राई करो यू वुड लाइक आयुष ला सोच हां बनो देखा वो ये तो राम्रो रे यार चश्मा यार हां तो महंगे चश्मों की ये बहुत सूट कर रहा है आयुष राम्रो यार आयुष ये वाला भी ट्राई करो ये हल्की हां ये वाला त्यो वाला राम्रो छ यार भाई त्यो पेनिक रिवन जस्तै हुन्छ नि हां तो आपको कैसे लेना है हाँ तो देखो ना वो वाली नहीं है बस इतनी चश्मा है इसकी बोली देखो इधर ये वाला हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है कोई और मेरा कितने चक्कर मिला मेरे उस तरह नहीं लग रही है नहीं पागल सी क्लास ही अलग है थोड़ी थोड़ा सा आयुष थोड़ा सा भाई कहाँ गुची का आयुष और भी ट्राई करो और फिल्म से ट्राई करो अनि तर महँगो चस्माहरु क्वालिटी चाहिँ आइसक्यो मलाई ट्राई गरौ यो अलि कभी भी डिफरेंट नै हुन्छ है क्वालिटीहरु किनभने अब हुन्छ नि त राम्रै हुन्छ नि त त्यही भएर पो महँगो ल्याएर त्यो चाहिँ सुट नै गर्थे वडो वडो दबङ दबङ बिजनेसम्यान जस्तो नै यो वाला अच्छा नै लग रहा वो अच्छा लग रहा है ये लग रहा है गुची इस तरफ देखो साइड पे देखो यो चाहिँ राम्रो बडा बडा गुची लिखा हुआ है और ये लाइन्स भी गुची की ही होती है नहीं नहीं सुहा ये वाला गोल गोल टाइम से चाहिए अभी तो छैन रहेछ ना ये ब्रांड ऐसी होती है पूछो से प्राइस आयुष महंगी चीजें हैं तो एक एक चीज को हम देख कर ले रहे हैं कि यू ना वो ले ले फिर उसको अच्छा ना लगे तो वो दो में कंफ्यूज हो रहा है एक गोल्डन टाइप है और एक बिल्कुल ब्लैक है सो देख रहे हैं हाँ मतलब कैसे पकड़ रहा है कैसे पकड़ रहा है ये मतलब ऐसे वाला इधर है ना ये पकड़ रहा है मतलब ओके और ये वाला मतलब कौन सा वाला कंफर्टेबल है और एक और बात बताऊँ मैं देखो इसके ना ये नॉर्मल बिल्कुल के जैसे यूजुअली होता है ना वैसा है इसका ना ये बता रहा है कि हाँ गुची लिखा है ये अच्छा लग रहा है आपके फेस पे ना उभर के आ रहा है चश्मा लगेगा सो गाइस फाइनली ले लिया है हमने वो जो ब्लैक वाला था ना वो लिया है उसके साइड पे जो है गुची की स्ट्राइप्स बनी हुई है सो इन्होंने पैक कर दिया है इनको नहीं दिखाऊंगी वो बोली थी मुझे मत दिखाना सो या मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन सा वाला लिया है आयुष ने अभी तो वो पैक हो गया है वो उस तरफ है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक सेकेंड ये वाला है नहीं हाँ ये आयुष ने ये वाला लिया फाइनल मस्ट मस्ट डन फिर अभी तो बैटरी है ये ना बार बार कंफ्यूज हो रहा है बैटरी है नहीं बैटरी है बैटरी नहीं बैटरी है पागल इतना अच्छा लग रहा है इस पे फिर भी बैटरी है नहीं बैटरी है ये वाला यार गुची हो यार हम तो दिन भर वाले नहीं गाइस बिस्मिल्लाह करने लगे क्रिन गाइस हाउ मच इज इट डन राइट 2000 गुची का आ गई ओके गाइस अब हम घर जा रहे हैं घर जाकर हम लोग तैयार होकर लाइव जाएंगे और वीडियोस बनवाएंगे और बहुत ज्यादा हरी क्या बोलो से हरी हरिया पूरी है हम लोग हरी हरिया क्या हो गया खुला हुआ तो है सो लेट्स गो होम देखते हैं कब तक पहुँचते हैं बहुत ट्रैफिक है यार बहुत ट्रैफिक है ईद वाले दिन तो आना ही नहीं चाहिए कहीं पर भी इस सारी शॉपिंग वगैरह हो गई है बस कुसुम का बैग रह गया है वो आयुष बोल रहा है कि वो आयुष
कुसुम को नेपाल से दिला देगा. अगर कुसुम के ना दिलाए ना तो मैं तो तुमने मुझे बताने में से दिला देगा बात. बाकी अब हम लेट हो रहे हैं, हमने तैयार होके लाइव जाना है. लाइव तो भूल ही गए हम लोग, कर लेते हैं. बाकी खाना वाला खाएंगे तो तब करूँगी मैं खाना करूँगी तो तब करूँगी एंडिंग. वासे को क्या हो गया यार? और गाइस हम लोगों ने जो है ना मामा के लिए सनब्लॉक मंगवाई थी, वो भी घर पर आ गई. मैं आपको दिखाती हूँ, रुको. यही चाहिए ना? यही हाँ, यही वाले से सर पकड़ लो ना, फिलहाल से पकड़ लो. सही आ गई मामा की चीज़ें. ठीक है, ये बहुत ऑसम होते हैं, अगर आप लोगों को भी यूज करना है तो कीजिए. हम तो यही करते हैं गाइस. तो अभी हम घर पर आ गए और घर पर आते ही मैंने अपने लिए चाय मंगवाई है क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज्यादा मेरा सर दुख रहा है. लिटरली ओह माय गॉड, मैं जब मंगवाती हूँ तो मुझसे दो धर्म की चाय भी वसूलती है भाई. खुद तो याद ही रखा होगी कि तो यार मैं कब से बैठी हूँ. देखो फिर से हम लोग पैसे निकालना भूल गए. पता नहीं इतनी मेरी मनुष्य का लगती है कि मुझे. मैं तुम्हें दूंगी, मैं तुम्हें ईदी दूंगी. तीसरा दिन है, तीसरा दिन, शर्म नहीं आ रही. ईद का तीसरा दिन है गाइस. लिटरली आयुष यहाँ पर आया है, मुझे दो मिनट नहीं मिले कि मैं उससे बातचीत कर सकूं अपने बारे में कि हाँ कैसे हो तुम, क्या हो ये. अल्लाह की कसम आई स्वेयर, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है बिकॉज मैं बिल्कुल भी उससे बात ही नहीं कर पाई कि तुम कैसे हो, क्या ये वो. मुझे अपने दिल की बात की बिल्कुल भी नहीं. व्लॉग्स बना रहे, लाइव जा रहे, बाहर जा रहे, ये करे वो करे, बस. तो अभी टाइम बने कैसे टाइम ले अपना टाइम यहाँ रोना. एनीवेज मैं अभी ये खा रही हूँ, उसके बाद मैं तैयार हूँ, जब मुझे तैयार करेगी उसके बाद आई शो यू ऑल माई लुक. ओके सो गाइज, इस मैंने मेरे बाल ना आगे से जो है ना मतलब कर्ल्स किए हैं और इनको हम नहीं वो कर पाए, मतलब अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है. सो ये इसमें जो है ना साड़ी का कर रही है इधर और इसमें जो है ना रिएक्शन जो है नोट करेगी, इन रिएक्शन जो है रिकॉर्ड करेगी. इधर पीछे से मैं जाऊँ, इधर आगे से मैं जाऊँगी. सो अभी फटाफट साड़ी जो है ना बांधते हैं. okay. तो अभी कुछ इस तरीके की लग रही हूँ. वी जस्ट फिगर्ड आउट किसको किस तरीके से पहनना है. बहुत जो है ना मुश्किल से मैंने पहनी है और ये मुझे इतनी फिट भी नहीं है. अभी हम जाते हैं. रिएक्शन अच्छा नहीं दिया ना इसका, रिएक्शन तो वैसे भी अच्छा है. हाँ पिछली बार का भी अच्छा नहीं था. ओ कैसी लग रही हो? एकदम ब्यूटीफुल. हजुरआमा को पूरा दी दे भाई, दो दिन लाने बनना मेरे. हां दादू मम्मी फिर वाला चलवाना है मुझको. कितनी बढ़ती है कैसी? माय गॉड भाई, तो क्यों हो रहा है रे? मैं पकेला हूं, दही होगी वही हो खाको. आप अभी तो भी नहीं इधर इधर हटना है, इधर ये देखो. हां मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा एकदम आराम से बस है, एकदम मस्त बने है. मस्त देखिए, बताइए कपड़े इसने नहीं बैठती सर में. अच्छी मेरी मस्त लग रही है. वो तो पीछे ले भाई ला ला. खतरा दे दुई जना ले. ओके गाइस, तो अब लाइव खत्म करके हम जो है वीडियोस पिक्चर्स वगैरह लेंगे और उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे. और जब हम खाना खाएंगे तो मैं अपना व्लॉग जो है एंड करूंगी. आयुष को जो छोड़ने जाएंगे उसका व्लॉग मैं व्लॉग तो नहीं बनाऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी मैं, बिकॉज कुछ होगा ही नहीं ना उसके लिए व्लॉग. तो यप, आई सी यू गाइस इन सम टाइम, जब हम खाना खा रहे होंगे. अभी हम वीडियोस पिक्चर्स लेने लगे. सो गाइस मैंने चेंज वगैरह कर लिया और अब हम खाना लगा रहे हैं और खाने में जो है दाल चावल नगेट्स और ये जादू नहीं दे रहे जादू. आप लोगों के यहाँ डिफरेंट पापड़ होते हैं, हमारे यहाँ डिफरेंट पापड़ होते हैं. दाल गेरी और ये आलू की कखियाँ हैं, ये चावल हैं, इसमें रोटी है गरम गरम. सो सारी चीज़ें. अब मैं डाइनिंग ठीक करती हूँ और मामा ने ये थ्री प्लग ले लिया था, इसको लगाते हैं फिर सबको बुलाते हैं. ये मेरा लास्ट डिनर है आयुष के साथ, अब पता नहीं कब नसीब होगा. और आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट नॉट टू क्राई और टू गेट इमोशनल, बट यू ऑल नो मी मोर देन मी, मोर देन माई सेल्फ. सो आई विल, आई एम ट्राइंग. मेरी प्लेट है वो आयुष के लिए मैंने डाला है और मैं आयुष का वेट कर रही हूँ कि वो आए तो हम खाना स्टार्ट करें पिछले 5 मिनट से, क्योंकि उसको मतलब जल्दी से अपना व्लॉग भी वो करना ना इतना मुश्किल होता है ना कसम से, हर एक चीज़ को मैनेज करना. of course, अभी वो आएगा तो फिर हम खाना खाएंगे और फिर
आप लोग खाना खाना, मैं तो चले आऊंगी, आप लोग टाइम स्पेंड करना है, ऐसी खोल देना ठीक है ना? अब तो है टाइम बिचारा आयुष आ गए यहाँ पर। खाना खा रहे क्या कर रहा हूँ, देखो इधर ब्लॉग भी एडिट कर रहा हूँ, इतना स्ट्रगल चल गया हमारी। नेपाल सो मोटू को बाय बोलते बोलते आप लोगों को भी बाय बाय फ्रॉम दुबई। और मोटू जल्दी शायद नेपाल आएगी, नहीं तो जल्दी मैं दुबई आऊँगा और फिर से हम मिलेंगे। पर अब जिस दिन हम आएंगे दुबई फिर से अगली बार, तो बहुत सारे टाइम के लिए आएंगे, टाइम के लिए आएंगे और तुम्हें भी लेके जाएंगे। सही है यस मोटू, जापी जापी क्या मजाक, अपनी दुआ क्या मांगी थी? हाँ नेक्स्ट टाइम जब आए तो शादी हो जाए, मतलब अब नहीं नेक्स्ट टाइम की नहीं, अब ये न्यू ईयर में एक बार तो हो गई एंगेजमेंट, तो अब मतलब नेक्स्ट ईयर ये साल की शुरुआत के बाद अब 2020 में मेरी अब शादी हो जाए। बस शादी हो जाए ये तो मेरी मन्नत है पूरा होने वाली चीज़, पर उसके उससे पहले की चीज़ तो पहले मैं स्टेबल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ये वो तुम्हें काम कर दूंगी तुमको स्टेबल ना, ठीक है चलो गाइस बाय, ठीक है सी यू सोन, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, एक सेकंड, थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर मेकिंग माय ईद स्पेशल, ओके चलो बाय गाइस, बाय ओ माय गॉड यार, त्यो गगो वाला भिडियो चाहिँ इन्स्टाग्राम मा थियो होला, त्यो मैले हेरेको थिएँ, खास तपाईँले नि हेर्नुभयो होला होइन, हेर्ने हो त्यो त्यो भिडियो हेरौँ न त, त्यो के भन्छ अलिजेल राखेको वाला भिडियोलाई हेरौँ, यो के भन्ने हो के गर्ने, जिन्दगी यस्तै हो गाइज होइन, बाय बाय। ए हजुरआमा सो गाइज त्यही थियो भिडियो, के गर्ने गाइज यस्तै छ होइन, गाह्रै छ भनौँ, अब के भन्ने त्यो हाँस्ने कि रुनी जस्तो हुन्छ क्या अब त्यो होइन, अब के भन्ने जे छ राम्रै चलिरहेछ भनौँ न, अब मेन कुरा कस्तो भने त्यहाँ नगयो भने नि टेन्सन, अब गएपछि फेरि छोटो टाइमको लागि बस्यो भने नि टेन्सन, बट आई थिङ्क इट्स इट्स एक्चुली गुड, किनभने आई थिङ्क कति ठाउँमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ टाढा भएको भएर नै उनीहरूको माया यति गाढा छ, बिकज यु नो इफ यु आर अलि अनि आई एम एक्चुली ग्ल्याड कि अब आयुष भाइ जतिखेर नि दुबई आउनु मिल्छ, अनि द्याट्स सो गुड थिङ्क, किनभने अब जतिखेर नै आउनु मिल्यो नि त, सो द्याट इज अ भेरी पोजिटिभ थिङ, एटलिस्ट लाइक केही हुने बित्तिकै भाइ उता गयो, जस्तै अहिले कि विदाउट प्लान एउटा टिकट काट्यो सट्टै गयो होइन, द्याट्स अ भेरी गुड थिङ होइन, अनि धेरै राम्रो लाग्छ त्यति हिसाबमा भए पनि अब केही टेन्सन पर्ने बित्तिकै धेरै बेर, अब जस्तै यही ईदमा पनि अब जस्तै आयुष नआएको भए कति खल्लो हुन्थ्यो होला, अब आयुष भाइ गएको भएर कति अब त्यो परिवार मात्रै भएर आयुषै जनताहरू सबैजना खुसी भयो होइन, अनि त्यसपछि हामी पनि धेरै खुसी भयो, सो इट्स काइन्ड अफ अ गुड फिलिङ है अब यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ, बट के अनि कामहरू नि गर्नै पऱ्यो, बट होप फर द बेस्ट यार, होप फर द बेस्ट, सबै कुरा राम्रो होस्, अनि मेन कुरा उनीहरूले केही गरेर अझै बढी गरेर देखाउनुपर्छ, द्याट इज द थिङ, किनभने अब ठिक छ होइन उनीहरू एकअर्कालाई माया गर्छ अनि त्यसपछि एकदम राम्रोसँग चलिरहेको छ, बट वी वन्ट देम टु अचिभ लाइक यु नो सम ग्रेटर थिङ, किनभने उनीहरू डिजर्भ गर्छ त्यो कुराहरू, अनि त्यसपछि अझै धेरै कति पोटेन्सियलहरू छ दुईजनासँग, अनि त्यो निकाल्न मिल्छ, आई रियली वान्टेड टु सी देम इन फ्युचर टु डु समथिङ रियली बिग, के आयुष भाइ म्युजिकमा मात्रै नलिएर मुभिज एन्ड वाट एभर हि डज लाइक समथिङ रियली बिग, बिकज हि हेज द्याट potential and power, and also same goes for Alija as well, she's such a talented girl and I know, and this way apart from whatever she has been doing I know, and she's very talented, so I really want her to do something really big, I know, make herself and her family proud, and obviously if they are making family proud and obviously we are also proud of them as well, so I really want them to achieve that, I know, and tesko lagi obviously kene ke haru sacrifice haru garnai parcha, and it's all for good, all for good. So that was the video guys, thank you so much for watching this video, if you like this video don't forget to like and subscribe to the channel, and of course see you in the next reaction video, bye bye.